हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओम स्टडी क्लासेस। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ओम स्टडी क्लासेस में। आज की इस वीडियो में करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर 1 के 5 से सॉल्व। ऑलरेडी हम पिछले वीडियो में 1 से 4 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम 5 से सॉल्व करेंगे, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए क्या है मेरा 5th नंबर सवाल। सवाल है 7x-2y/xy=5, 8x+7y/xy=15, यानी डिवाइड में दिया हुआ है, xy दिया हुआ है। तो देखिए ये माइनस में है, यहाँ पे क्या है माइनस, यहाँ पे क्या है प्लस। अगर हम xy को दोनों में डिवाइड दे दें, दोनों को हिस्सा कर दें, बराबर बराबर भागों में दे दें उसको, तो कोई दिक्कत नहीं। तो दोनों को बंटवारा कर देते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे बंटवारा करेंगे 7x/xy, इसको दे दिए माइनस 2y, इसको भी xy दे दिए, दोनों में अलगाव हो गया, इक्वल टू 5 है ये। इधर इसमें देखिए 8x/xy इसमें भी दिए, प्लस 7y इसमें भी xy डिवाइड कर दिए, इक्वल टू 15। अब देखिए कैंसिल मेरा क्या हो रहा है, यहाँ xx कैंसिल हो रहा है, yy कैंसिल हो रहा है, xx कैंसिल, yy कैंसिल। तो जो कैंसिल हो रहा था मेरा, हम उसको कैंसिल कर दिए। अब देखिए मेरा क्या बचा, 7y-2x=5, और क्या बचा इधर 8y+7x=15, ये मेरा बच गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब मेरा ये देखिए 1x और 1y के पद में आ गया। कैसे पद में आ गया, 1x और 1y, यानी 1/x और 1/y के पद में आ गया। तो हम क्या लिखेंगे, देखिए माना क्या मानते थे, याद है आपको पिछले वीडियो में देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो जाके देखिए, ठीक है। 1/x को क्या मानते थे, p, और 1/y को क्या मानेंगे, q, जो कि हमको सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी, ठीक है। आसान करने के लिए हम इसको करते हैं, बहुत ही आसान हो जाएगा हमको सॉल्व करने में, p मान लिए। अब देखिए 1/y, तो 1/y क्या है, q है, तो 7 × 1/y है, यानी 7q हो जाएगा, 7q माइनस 2 1/xp है, तो 2p हो जाएगा, इक्वल टू 5, इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। आगे देखिए इसमें 8y, तो y बोला क्या है, q, यानी 8q हो जाएगा, प्लस 7 1/x, यानी p मान है, ये कितना हो जाएगा 15, ये हो गया 2। अब देखिए हमको यहाँ क्या करना है, आपको जरा सा इस जगह दिमाग लगाना है। देखिए अगर हम इसको किसको, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें या फिर 7 से कर दें, तो कितना हो जाएगा 2×7=14, और इसको 2 से करें तो कितना हो जाएगा 7×2=14, तो मेरा आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए क्या लिखेंगे, समीकरण किसको, एक को, किससे, 7 से, एक को 7 से, तथा समीकरण 2 को, समीकरण 2 को 2 से गुना करके जोड़ने पर, देखिए जोड़े हम क्या है, क्या देखिए यहाँ पे क्या है माइनस साइन है, यहाँ पे क्या है प्लस साइन है, हम टारगेट मेरा क्या है इसको मिलाने का, पी पी को मिलाने का टारगेट है, तो पी का साइन क्या है यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, इसलिए हम जोड़ रहे हैं, अपोजिट साइन है, जोड़ने पर। तो देखिए इसको पूरा एक को किससे गुना कर रहे हैं 7 से, तो 7×7=49 हो जाएगा, 49q-7×2=14p, और 7×5=35, ठीक है। अब देखिए यहाँ 8 यानी समीकरण 2 को किससे गुना कर रहे हैं 2 से, तो 8×2 क्या आ जाएगा 16q-7×2=14p, अब 15×2=30। जब हम घटा रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो इसमें साइन चेंज होगा, साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए अब साइन चेंज नहीं होगा तो क्या आपस में ये दोनों कट गया, यानी माइनस और प्लस 14p। अब बच गया मेरा क्या, बच गया यहाँ पे
ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, तो इसमें देखिए ऐड हो जाएगा, तो 9 और 6 कितना जाएगा 65 क्यूब इक्वल टू इसको जब ऐड करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 65। तो क्यू इक्वल टू देखिए हम यहाँ लिख देते हैं, क्यू इक्वल टू 65/65 आपस में कैंसिल होकर क्यू इक्वल टू आ गया 1। अब यही क्यू का मान किसी में रख सकते हैं, समीकरण 1 में रखेंगे, यानी क्यू का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 दिखेगा क्या, यहाँ है 7q माइनस 2p इक्वल टू 5। मेरा वैल्यू आया है क्यू का, तो यानी 7 इंटू क्या हो जाएगा क्यू का वैल्यू 1 है, तो यहाँ 1 हो जाएगा -2p इक्वल टू 5। तो -2p इक्वल टू 5, -7 हो जाएगा, 7 × 7 अपोजिट साइड -7, तो -2p इक्वल टू -2, माइनस माइनस कैंसिल, 2 2 भी कैंसिल, यानी p इक्वल टू क्या आ गया मेरा 1। ठीक है, अब देखिए p हम क्या माने हैं, p यहाँ माने हैं 1/x और q क्या माने हैं 1/y। p मेरा आया क्या 1/x, तो x इक्वल टू क्या आ गया 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। q क्या है मेरा 1/y, तो y इक्वल टू क्या आ गया ये भी 1। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। आगे अब नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। देखिए अब नेक्स्ट जो है क्या है, 6x + 3y = 6xy, 2x + 4y = 5xy। अब की बार देखिए इधर भी एक्स वाई को ऐड कर दिया है, क्या किया, जरा सा घुमाया है, जरा सा क्वेश्चन को घुमाया है, तो आपको घूमना नहीं है, क्वेश्चन घुमाए घूमने दीजिए, आपको फिक्स रहना है, आपको घूमना नहीं है। देखिए क्या किया है, एक्स वाई इधर अटैच कर दिया है, तो हम क्या करेंगे देखिए समझिएगा, अगर हम इसको एक्स वाई से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दें तो ये एक्स वाई मेरा कैंसिल हो जाएगा, अगर भाग दे दें एक्स वाई से दोनों साइड डिवाइड दे दें तो एक्स वाई मेरा कैंसिल हो जाएगा। देखिए क्या करेंगे, 6x + 3y डिवाइड में एक्स वाई, इधर भी दिए तो इधर भी देना फर्ज बनता है दोनों साइड, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई से भाग दे दिए, इधर भी देखिए 2x + 4y डिवाइड में एक्स वाई, 5xy डिवाइड में एक्स वाई। अब तो मेरा एक कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, झंझट खत्म। अब देखिए जब ये डिवाइड में है तो दोनों को अलग अलग इसको में भी बांट देते हैं, हिस्सा कर देते हैं, तो 6xy क्या हो जाएगा, xy + 3y / xy इक्वल टू कितना 6। यहाँ क्या हो जाएगा 2x / xy + 4y / xy इक्वल टू कितना 5। मेरा कैंसिल क्या हो रहा है देखिए, एक्स एक्स कैंसिल हो रहा है y, एक्स एक्स y, तो देखिए यहाँ पे 6/y बच गया, 6/6/y प्लस 3/x ये बच गया मेरा इक्वल टू 6। इसको मान लेंगे समीकरण 1, 2/y + 4/x इक्वल टू 5, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब देखिए मेरा ये 1/x और 1/y के फॉर्म में आ गया, तो अब क्या करना है, p और q मान के सॉल्व कर देना है। तो देखिए माना 1/x इक्वल टू क्या मानेंगे p और 1/y इक्वल टू q। यहाँ पे 1/y है यानी 6 क्या हो जाएगा q हो जाएगा पहले, प्लस 1/x यानी 1/x p है, तो 3p इक्वल टू 6 ये हो गया। अभी इसको रहने दीजिए, देखिए मैच में होता है कि नहीं। 2 क्या हो जाएगा y वाला टर्म क्या है q प्लस 4 1/x p इक्वल टू 5। अब देखिए क्या करना है, इसको मान लेते हैं हम, 1 2 मान लिया, तो 3 और 4
मेरा टारगेट अब क्या है, विलोपन विधि। किस विधि से? आप इसको प्रतिस्थापन से भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वज्रगुणन से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप प्रतिस्थापन से करेंगे तो देखिएगा क्या होगा। यहाँ पे 4 है, 3 है, 6 है, 2 है, मल्टीप्लाई में है, तो यानी ऑब्वियसली बात है अगर हम किसी भी एक चर को फ्री करेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, 4, 2, 3 सब क्या आ जाएगा, डिवाइड में आएगा। किसी भी एक को फ्री करेंगे तो डिवाइड में आएगा, जरा सा ही लेंदी जाएगा। तो हम किस विधि से इसको सॉल्व करते हैं? विलोपन विधि से, जो कि ज़्यादा ईजी होता है, ठीक है ना। तो देखिए अब हम इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2p को 3 से, तो कितना हो जाएगा, 6p हो जाए, 2q को 3 से, तो 6q हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 4 को किससे, 3 से, गुना करके किसमें, समीकरण 3 में घटाने पर, समीकरण 3 में घटाने पर, देखिए घटाने पर लिख लिया। अब देखिए घटाएंगे, जब आपको दिख रहा होगा तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर तो सेम रहेगा, 6q प्लस 3p इक्वल टू 6, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6q हो जाएगा प्लस 4 3 12p इक्वल टू 5 3 15। जब घटा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, मेरा 6q और 6q कैंसिल हो गया, बच गया मेरा क्या, 3 और माइनस 12। तो 3 और माइनस 12 क्या होता है मेरा, 3 और माइनस 12 यानी हो जाएगा माइनस 9p इक्वल टू 6 माइनस 15, तो ये भी हो जाएगा माइनस 9। 6 माइनस 15 कितना, माइनस 9, माइनस माइनस कैंसिल, 9 9 कैंसिल, यानी पी का वैल्यू आ गया मेरा 1। पी का वैल्यू क्या आ गया, 1। अब यही पी का मान किस में रख देंगे, पी का मान समीकरण 1 देखिए कहाँ है, यहाँ है, तो इसमें 1 नहीं है मतलब पी नहीं है, तो 3 में रखते हैं, तो लिखेंगे पी का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 देखिएगा क्या है, 6q + 3p इक्वल टू 6, मेरा आया p1 यानी 6q + 3 इंटू पी का वैल्यू 1 आया, ठीक है। अब देखिए 6 अपोजिट साइड 3 बन जाए 3, यानी 3 हो जाएगा, ये अपोजिट साइड जाएगा तो 6 - 3 हो जाएगा, प्लस 3 तो माइनस 3, 6q इक्वल टू 6 में 3 कैंसिल यानी 3 हो गया। अब q इक्वल टू क्या, 3/6 कट के कितना, q इक्वल टू 1/2। अब देखिए हम क्या माने थे, 1/x इक्वल टू p, यानी p इक्वल टू क्या माने थे, 1/x, और q इक्वल टू 1/y। p का वैल्यू कहाँ है, यहाँ है, पी का वैल्यू यहाँ है, तो 1 इक्वल टू 1/x, तो x इक्वल टू कितना आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसमें देखिए q का वैल्यू 1/2 इक्वल टू 1/y, y इंटू 1 y, 2 इंटू 1 2, तो y का भी वैल्यू आ गया और x का भी वैल्यू आ गया। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, आपको इधर भी दिख रहा होगा। तो अब नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। देखिए नेक्स्ट जो है 10/x + y + 2/x - y = 4, 15/x + y - 5/x - y = -2। तो देखिए क्या करना है, जरा अभी दिमाग नहीं लगाना है, एकदम बारीकी से सोचना है और सॉल्व करना है। ये जो क्वेश्चन है VVI क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसको कैसे एकदम बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करते हैं। तो देखिए x प्लस वाई है नीचे, इसमें x माइनस वाई है, तो यहाँ x + y मैच कर रहा है, x - y मैच कर रहा है, तो हम मेरा पहला काम क्या बनता है, जब मैच कर रहा है तो हम दोनों को मान लेते हैं। तो 1/x + y को क्या मान लेंगे, p, और 1/x - y को क्या मान लेंगे, q, ठीक है, मान लिए। अब देखिए क्या करना है, 10 × 1/x + y यानी 10p हो जाएगा ये, प्लस 2
और वन बाय एक्स माइनस वाई यानी टू क्यू हो जाएगा इक्वल टू फोर, इक्वेशन फर्स्ट। आगे देखिए 15 एक्स प्लस वाई वाला टर्म क्या p, तो p हो जाएगा माइनस फाइव क्यू इक्वल टू माइनस टू, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए कौन विधि लगाना है, विलोपन विधि जो कि लगाते आ रहे हैं। तो देखिए इसको अगर हम दो से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर तीन से, इसको तीन से करेंगे या इसको दो से करेंगे कितना हो जाएगा 15 टू जा 30 और इसको थ्री से करेंगे तो 10 3 जा 30, यानी लिखेंगे समीकरण एक को तीन से तथा समीकरण दो को दो से गुना करके घटाने पर, ठीक है। तो देखिए इसको किससे गुना कर रहे हैं, तीन से, समीकरण एक को तीन से, तो 10 3 30 पी हो जाएगा प्लस द्वितीय 6 क्यू 4 3 12, इसको किससे कर रहे हैं दो से, तो यानी 15 30 पी माइनस 15 10 क्यू माइनस 2 2 2 कर रहे हैं तो माइनस 4 हो जाएगा। तो देखिए घटा रहे हैं तो क्या होगा, साइन मेरा चेंज हो जाएगा, तो ये 30 पी 30 पी कैंसिल हो गया, 6 क्यू और प्लस 10 क्यू यानी 6 क्यू प्लस 10 क्यू 16 क्यू 12 और प्लस 4 यानी 12 4 16, क्यू इक्वल टू क्या आ गया 16/16 यानी 1, क्यू का मान क्या आ गया 1, ठीक है। अब देखिए जब मेरा क्यू निकल गया तो क्यू का मान किस में रख देंगे आप, समीकरण एक में रखने पर, यानी लिखेंगे यहाँ पे क्यू का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक देखिए क्या है, 10p + 2q = 4 10p + 2q = 4 देखिए 10p का वैल्यू नहीं आया है अभी, पी का ही निकालना है, 10p + 2q का मान 1 है आ गया जो इक्वल टू 4, तो 10p = क्या आ जाएगा 4 - 2 1 2, इधर 2 प्लस में तो अपोजिट साइड माइनस में, 10 = क्या आ जाएगा, इसको जब 10p है कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, तो p = 2/10 कैंसिल होके 5, यानी p = क्या आ गया 1/5। अब देखिए p = क्या माने थे हम, 1/x + y और q = क्या माने थे 1/x - y, p मेरा क्या है 1/5 आ गया = 1/x + y, q मेरा क्या है 1, तो 1 = क्या x - y। अब इस जगह जरा सा आपको दिमाग लगाना है, क्या करना है जरा सा दिमाग लगाना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे देखिए क्या हो जाएगा x + y = 5, यहाँ पर देखिए x - y कुछ नहीं है तो 1, इसको समीकरण क्या 1 2 मान लिए हैं, 3 नहीं है कहीं, तो इसको 3 मान लेते हैं, और इसको समीकरण 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x है यहाँ पे x है, दोनों सेम है, तो हम विलोपन विधि यहाँ भी लगाते हैं जोड़ने पर या फिर घटाने पर, अगर जोड़ेंगे तो देखिए +y - y ये कैंसिल होगा, अगर घटाएंगे तो x ये कैंसिल होगा, घटा लेते हैं तो लिखेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, ठीक है ना, घटाने पर, तो देखिए x + y = 5 और x - y = 1, जब घटा रहे हैं साइन मेरा चेंज हो जाएगा, ठीक है, साइन चेंज कर दिया तो x कैंसिल हो गया, y और y 2y, 5 - 1 = 4, तो y = क्या आ गया 4/2 यानी 2, y का वैल्यू कितना आ गया 2। अब यही y का मान किस में रखेंगे, समीकरण 3 में रखने पर,
यानी लिखेंगे y का मान समीकरण तीन में रखने पर। समीकरण तीन देखिए क्या, x प्लस y इक्वल टू फाइव, y का मान आ गया दो, तो x प्लस दो इक्वल टू फाइव, तो x इक्वल टू क्या आ गया फाइव, में से टू कैंसिल हो जाएगा माइनस हो जाएगा, प्लस टू है अपोजिट साइड माइनस टू, यानी फाइव माइनस टू थ्री। तो देखिए x का वैल्यू आ गया मेरा थ्री और y का वैल्यू टू, तो आप देखें कि कितने आसान तरीके से हम इसको सॉल्व कर दिए, जरा भी कहीं टेंशन वाली बात नहीं है, आपको एकदम ध्यान से देखना है, समझ में आ जाएगा और ध्यान से एकदम नोट करना है इसको, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आगे अब नेक्स्ट सेवन के बाद एट को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है वन बाय थ्री एक्स प्लस वाई प्लस वन बाय थ्री एक्स माइनस वाई इक्वल टू थ्री बाय फोर, इधर है जो हम लिख दिए हैं। देखिए अब क्या करना है आपको कि आप देखिए थ्री एक्स प्लस वाई थ्री एक्स माइनस वाई थ्री एक्स प्लस वाई थ्री एक्स माइनस वाई, तो इसमें क्या लग रहा है आपको कि थ्री एक्स प्लस वाई दोनों में है और थ्री एक्स माइनस वाई क्या है दोनों में है, तो हम क्या करेंगे देखिएगा, देखिए वन बाय यानी माना वन बाय थ्री एक्स प्लस वाई इसको क्या मान लेंगे पी, और वन बाय थ्री एक्स माइनस वाई इसको मान लेंगे क्यू, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए मेरा इक्वेशन क्या बनेगा, ये पूरा तो p हो गया यानी p, ये पूरा क्या हो गया q यानी p प्लस क्यू इक्वल टू थ्री बाय फोर, कोई दिक्कत। आगे देखिए यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए वन बाय टू ये पूरा का वैल्यू कितना है p, तो वन बाय टू पी यानी p बाय टू हो जाएगा, प्लस प्लस नहीं माइनस है माइनस वन बाय टू यहाँ भी है और थ्री एक्स माइनस वाई क्या है क्यू, तो ये भी क्यू हो जाएगा इक्वल टू माइनस वन बाय एट, कोई दिक्कत समझने में। अब देखिए क्या करना है आपको, अगर हम इससे दो कॉमन ले लें तो वन बाय टू अगर कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, इसको एक मान लीजिए आप, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम कॉमन क्या ले लिए वन बाय टू, तो क्या हो गया वन बाय टू बाहर चला गया पी माइनस क्यू रह गया इक्वल टू माइनस वन बाय एट। जब देखिए इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके क्या आ जाएगा डिवाइड में, यानी पी माइनस क्यू इक्वल टू डिवाइड में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा देखिए माइनस वन बाय एट डिवाइड माइनस सॉरी वन बाय टू, और जब इसको हम गुना करेंगे तो ये दो कहाँ चला जाएगा ऊपर, ठीक है। तो अब देखिए टू फोर जा एट कट गया, कितना बच गया p माइनस क्यू इक्वल टू माइनस वन बाय फोर, इसको आपको मान लेना है समीकरण दो। इसका समझ में आया, वन बाय टू तो इधर मल्टीप्लाई में अपोजिट साइड हो जाएगा क्या डिवाइड में, तो डिवाइड को जब चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में तो अब ये क्या हो जाएगा पलट जाएगा, तो टू बाय वन हो जाएगा, यानी क्या हो गया कट गया आपस में तो माइनस वन बाय फोर, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पी प्लस क्यू यहाँ p माइनस क्यू, विलोपन विधि लगाते हैं, लिखेंगे समीकरण एक में से समीकरण दो को घटाने पर, ठीक है घटा रहे हैं देखिए, तो p प्लस क्यू इक्वल टू थ्री बाय फोर और p माइनस क्यू इक्वल टू माइनस वन बाय फोर, ये है ना, ठीक। अब देखिए मेरा कैंसिल क्या हो रहा है, यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, साइन चेंज हो जाएगा घटा रहे, तो यहाँ देखिए माइनस है यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, माइनस था तो प्लस यहाँ माइनस, पी पी मेरा कैंसिल हो गया, बच गया क्यू और क्यू, क्यू क्यू प्लस में है तो टू क्यू हो जाएगा टू क्यू। अब देखिए यहाँ पे थ्री बाय फोर और इसका माइनस वाला साइन नहीं लेना है, आपकी बार प्लस वाला साइन लेना है नीचे वाला, ठीक है प्लस वाला साइन लेना है, तो क्या हो जाएगा देखिए जैसे बड़ा लिख देते, प्लस वाला साइन लेना है तो क्या हो जाएगा थ्री बाय फोर प्लस वन बाय फोर। अब
जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2q इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 LCM आ जाएगा, 3 + 1 यानी 2q इक्वल टू 4/4, तो 2q इक्वल टू 1 आ गया, तो q इक्वल टू 1/2। अब देखिए p हम क्या माने हैं, p माने हैं 1/3x + y, यानी माने हैं p मेरा कितना आ गया, क्या p अभी नहीं आया है, अभी तो q का वैल्यू आया है, सॉरी अभी p का वैल्यू नहीं आया है, तो अभी p का वैल्यू भी निकालना पड़ेगा, पहले निकाल लेते हैं, यानी लिखेंगे q का मान समीकरण किसमें, एक एक यहाँ इसमें रखते हैं, समीकरण एक में रखने पर समीकरण एक देखिए क्या है, पी प्लस क्यू इक्वल टू 3/4, पी मेरा क्यू आ गया 1/2, यानी पी प्लस 1/2 इक्वल टू 3/4, तो पी इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/4, 1/2 प्लस में तो माइनस हो जाएगा अपोजिट साइड, तो पी इक्वल टू आ गया 4 LCM, 2 × 4 1 × 2, यानी आ गया ये 1/4, तो मेरा p देखिए क्या आ गया, p आ गया 1/4 और q क्या आ गया 1/2, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है आपको, इससे एक इक्वेशन और फिर बनेगा, तो अब इसको मिटाते हैं और फिर इक्वेशन बनाते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब देखिए हम माने थे क्या 1/3x + y इक्वल टू p, ठीक है, यानी क्या माने थे, p इक्वल टू 1/3x + y और q इक्वल टू क्या माने थे 1/3x - y, p मेरा कितना आ गया 1/4 इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा 3x + y और q क्या आया था 1/2, देखिए हम लिख दिए हैं 1/3x - y, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x + y इक्वल टू 4 × 1 = 4, यहाँ हो जाएगा 3x - y इक्वल टू 2, तो इसको मान लेना है समीकरण 3 और इसको मान लेना है समीकरण 4। अब देखिए घटा देंगे डायरेक्ट तो 3x कैंसिल हो जाएगा, यानी लिखेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, तो देखिए जब घटाएंगे क्या हो जाएगा 3x + y इक्वल टू 4, 3x - y इक्वल टू 2, घटा रहे हैं साइन चेंज हो जाएगा, तो देखिए 3x और -3x कैंसिल, y और यहाँ भी प्लस वाई यानी 2y इक्वल टू 4 में 4 माइनस का 2 यानी 2, तो y इक्वल टू क्या आ गया 2/2, कैंसिल होके y इक्वल टू 1। अब यही y का वैल्यू किस में रख देंगे, समीकरण 3 में रखने पर, यानी लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 देखिए क्या है, कहाँ है समीकरण 3, यहाँ है 3x + y इक्वल टू 4, 3x + y इक्वल टू 4, y मेरा आ गया 1 यानी 3x + 1 इक्वल टू 4, तो 3x इक्वल टू 4 माइनस 1 हो जाएगा अपोजिट साइड जाके, तो 3x इक्वल टू 4 में से 1 गया 3, तो x इक्वल टू 3/3, कैंसिल होके कितना x इक्वल टू 1, तो x भी 1 y भी 1, क्या लॉजिक है, यानी x भी 1 आ गया और y भी 1 आ गया, कोई दिक्कत, 1 आना ही था तो इतना लंबा, वाह चलिए कोई दिक्कत नहीं, 1 आ गया, मेरा आंसर यही है। तो आज की वीडियो में इतना ही रहते हैं, अगले वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 से सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 का टोटल समाप्त हो गया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।